दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सब अपने अपने पासे फेंक रहे हैं, चुनाव जीतने की अपनी अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, और हर पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पार्टी की जीत की घोषणाएं कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। इसी बीच पिछली मोदी की भाजपा सरकार या मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो अब भाजपा को छोड़कर पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जो उनकी मूल पार्टी है, और उनका कद इस नाते भी हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा है कि वो जाट समाज के, किसान समाज के सबसे बड़े नेता सर छोटू राम के नाती हैं। इस नाते हरियाणा की राजनीति में उनका कद अपने आप बड़ा हो जाता है। दोस्तों, ये बात अलग है कि किन्हीं भी कारणों के चलते चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे और भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह हिसार से सांसद भी बने भाजपा के टिकट पर, लेकिन उनकी मोदी जी के साथ या मोदी सरकार में पटी नहीं। वो ये भी दावा करते हैं कि भाजपा और आरएसएस की नीतियां उन्हें रास नहीं आई, इसलिए वो अपनी मूल पार्टी कांग्रेस में लौट आए। और वो कहते हैं कि कांग्रेस के सिद्धांत, कांग्रेस की नीतियां मेरे खून में समाई हैं, इसलिए मैं अपनी मूल पार्टी में लौट आया। लेकिन जब चुनावों की घोषणा के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या बोल रहे हैं, पत्रकारों से बातचीत में क्या दावे कर रहे हैं, वो दावे कर रहे हैं कि एक टाइम में भाजपा को लोकसभा चुनावों में हरियाणा में 58% वोटें मिली थी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो भाजपा का ग्राफ बहुत तेजी से 2019 में गिर गया। वो बात अलग है कि जेजेपी की बैसाखी के सहारे भाजपा ने हरियाणा में सरकार बना ली, लेकिन अब वो बैसाखी भी हट चुकी है और हरियाणा में भाजपा के बुरे दिन आ गए हैं, क्योंकि लगातार हरियाणा में भाजपा का ग्राफ नीचे गिर रहा है, उसका वोट प्रतिशत नीचे गिर रहा है। और वो ये भी दावा करते हैं कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के बाद ही हरियाणा चुनावों की घोषणा को करीब मानकर जोर शोर से तैयारियां कर दी थी, और वो पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरा जो इतना लंबा राजनीतिक जीवन है, मुझे जितना राजनीतिक अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं दावा कर सकता हूं कि इस बार निश्चित तौर पर भाजपा हरियाणा की सत्ता से बाहर हो रही है और कांग्रेस
भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौट रही है, या आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि प्रदेश की जनता ने भाजपा को हटाकर पुनः कांग्रेस को सत्ता में लाने का फैसला कर लिया है। बस कितनी देर बाकी है कांग्रेस की सत्ता में लौटने में? सिर्फ और सिर्फ जिस दिन वोट पड़ेंगे। और दोस्तों कि ये वो बोलते हैं कि देख लेना आप, 4 अक्टूबर को हरियाणा में कोई भी कांग्रेस का नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा और हरियाणा में जो पिछले 10 सालों में जनता की अनदेखी हुई है, वृद्धों की भी अनदेखी हुई है, महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी हुई है, शिक्षा का स्तर गिरा है, यानी हर क्षेत्र में भाजपा कोई भी उल्लेखनीय विकास कार्य या जनहित के कार्य करने में नाकामयाब रही है। बेशक भाजपा वाले कितने ही दावे करते रहे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं भी प्रदेश भर में घूम रहा हूं और जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, लोग, प्रदेश की जनता भाजपा से बहुत नाराज है। और यदि नाराज नहीं होती तो लोकसभा चुनावों में भाजपा की इतनी दुर्गति ना हुई होती। और अंतिम तौर पर मैं दावा करता हूं कि 100% कांग्रेस सत्ता में लौट रही है और 4 अक्टूबर को रिजल्ट निकलने के बाद हरियाणा में कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। और वो ये भी दावा करते हैं कि हम, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रदेश की जनता की हर आकांक्षा पर खरे उतरेंगे और प्रदेश की जनता जो कार्य चाहती है, जो विकास कार्य चाहती है, या जो कमियां हैं, या जिन कारणों के चलते हरियाणा विकास की दौड़ में पिछड़ गया है, उसका वो रुतबा नहीं रहा है जो कांग्रेस के शासनकाल में था, हम हरियाणा के रुतबे को फिर लौटाएंगे और कांग्रेस और हरियाणा में खुशहाली लाएंगे। यही हमारा प्रदेश की जनता से दावा है। कांग्रेस की तैयारी है तो हमारी पूरी तैयारी है, और तैयारी भी इसलिए कि जब लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं उसके फौरन बाद कांग्रेस पार्टी को एहसास था कि अक्टूबर में चुनाव होने हैं असेंबली के हरियाणा में, इसलिए उसी तरीके से हमने तैयारी शुरू कर दी थी। अगर आप ज़्यादा सही इसका विश्लेषण करें तो 2019 में 10 की 10 सीटें लोकसभा की बीजेपी ने जीती थी और बड़े मार्जिन से 58% के करीब वोट मिला था, और जब विधानसभा का चुनाव आया तो 40 पे आके रुक गई गाड़ी, और बहुत बड़ी लगभग 12% का वोट फॉल हुआ था उनका। और अब जो मेरी समझ है या जो मेरा राजनीतिक अनुभव है एक लंबा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग हैं ही नहीं। तो दोस्तों ये थे चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो दावा कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनना तय है। तो दोस्तों आपकी क्या सोच है? चौधरी वीरेंद्र सिंह के दावों में कितनी सच्चाई है और प्रदेश की जनता क्या चाहती है, वो किसकी सरकार चाहती है? प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह दावे कर रहे हैं उनसे आप कितने सहमत हैं। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं कल फिर किसी नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।